है कि जो आज जो एजुकेशन का स्तर है या जो अभी जो इन्होंने जो बजट लागू किया है एजुकेशन का ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, एजुकेशन का ध्यान नहीं दिया गया है और बजट में अगर मुद्रा स्फीति की दर को देखते हुए भी बजट एलोकेशन कम हुआ है हायर एजुकेशन के लिए और कट है उस बजट में। और दूसरी बात यह है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो जाने का इनका जो रास्ता अख्तियार किया है इन्होंने उसमें टीचर कहीं ना कहीं पिछड़ा है और सड़क पे उतरने को मजबूर है। उसके अलावा 4500 एडहॉक्स जो टीचर्स हैं जो कॉलेज में काम कर रहे हैं उन वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। दो टीचर्स एडहॉक ही रिटायर हो गए हैं जिनको कोई बेनिफिट पेंशन का या और कोई बेनिफिट उन्हें मिलेगा नहीं, वो रिटायर कर गए एज एडहॉक टीचर्स। 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, कोई नई टीचर भर्ती नहीं किए गए हैं, एडहॉक्स पे काम चल रहा है। और जब इन्होंने लॉ फैकल्टी में जो टीचर्स जिनके इन्होंने जिनको भर्ती भी किया है उसमें एक बड़ा तबका जो वहाँ 15 साल से पढ़ा रहा था 20 साल से पढ़ा रहा था उसको इग्नोर करके साइडलाइन कर दिया है। अगर वो अच्छे टीचर नहीं थे तो वो 15 साल उनसे पढ़वाया क्यों गया और वन फाइन डे आपने उनको नकारा करके सड़क पे छोड़ दिया। उनकी एज नहीं है, वो कहीं भटकेंगे दर दर नौकरी के लिए। 15 साल उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिए हैं, उनके पढ़ाए स्टूडेंट्स जजेस और वेरियस एरियाज में काम कर रहे हैं, तो वन फाइन डे वो गलत हो गए। तो आप किसी को, हम ये नहीं कह रहे प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन आप उन लोगों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। उस वर्क फोर्स ने 4500 आपने 10 साल से भर्ती नहीं की, 10 साल से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई प्रमोशन नहीं की और टीचर कितना चुप रहेगा। टीचर के पास अब सड़क पे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, पेंशन्स नहीं मिल रही हैं, लोग टीचर्स रिटायर होके चले गए हैं। आप 10 मिनट बैठ के उनकी व्यथा को सुनिए, उन लोगों का क्या क्या कहना है। उनका अपनी बीमारी का इलाज कराने का पैसा नहीं है, उनके पास पेंशन नहीं है, वो दर दर भटक रहे हैं और आप कोर्ट केसेस में, और जिनको मिल सकता था थर्ड कैटेगरी उनको भी आप कोर्ट में ले गए। अगर पेंशनें सर्विस कंडीशन सब कोर्ट में डिसाइड होना है तो आपने क्यों UGC क्यों HRD ये क्या कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए टीचर कोर्ट में जा रहा है। तो अब देखिए बिल्कुल सड़क पर उतरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। 4500 टीचर जो एडहॉक है वो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का दौर है, प्रमोशन को लेकर अनिश्चितता का दौर है, पेंशन मिल नहीं रही है, ठीक है, स्टेपिंग अप वगैरह जो और मुद्दे हैं वो अलग से खड़े हैं जिनका 10 साल से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी MHRD UGC, तो और कौन करेगा। तो हमारी मजबूरी है कि आज हम ये सब कर रहे हैं और हमने निरंतर इन्हें पत्र लिखे हैं और वेरियस माध्यम से इन तक पहुंचने की कोशिश की है, इनके साथ मीटिंगें की हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा है और आज हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ सड़क पे खड़े हैं। सर आपका नाम? विवेक चौधरी, मैं DUTA सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद।